पंजाब की सीमा के साथ लगते कांगड़ा के कुछ हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को डरा कर रख दिया। डमटाल और ठाकुरद्वारा के साथ लगते क्षेत्रों के खड्डे और नाले उफान पर हैं। उपमंडल इंदौरा के माजरा ढांगुपीर पठानकोट एयरपोर्ट रोड पर चक्की खड्ड का पानी बह रहा है। इससे रेलिंग टूट गई है और एयरपोर्ट के रास्ते को भी खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जालंधर जम्मू रेल मार्ग पर ढांगुपीर में बनाया गया पुल भी खतरे की जद में है। यहां सड़क धस गई है और अब दो साल पहले हुई तबाही की याद लोगों को रुलाने लगी है। सारी रोड जा रही माजरे वाले बहुत सानू तंगी है तो बहुत ज्यादा तकलीफा। पिछली बार करेट बने हैं तो वह सारे पिछले थलो रुड़ गए हैं, वो फिर रस्ता सारा रुड़ गया। बहुत दिक्कत हैगी साढ़े माजरे वालों, इधर एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हैगी है, बड़ी परेशानी हैगी साढ़े लोगों को आने जाने वास्ते माजरे वालों, बाकी एयरपोर्ट वाले। साड़ी तो सरकार अगर बेनती है भी ये रस्ते का हल हो तो सू पिंड जाने वाला रस्ता एक ही है, सिर्फ कंक्रीट की दीवार भी बनी, कंक्रीट की दीवार इतने बने तो फिर यह रस्ते का हल हो सकता। अभी तो हर बारी परेशान होते हैं भी कि यही रस्ता है मेन साडा जी, ये रस्ता रुड़ गया सानू तो अं उ रह गए हैं, बाकी इधर एयरपोर्ट लगता नाल साडा एक पिंड लगता, बस मेन रस्ता यही है एक ही। ये दो साल पहले रोड बनया ही अगला जी, तो सही तरीके नहीं बनाया जाना, पहले कहता जी दुआर भी कटनी सीमटड वो नहीं कटी, करेट पाए ये दरिया के बराबर बनाए, जब उपर तक बनाते ना तो सड़क में खतरा नहीं होना कोई भी। एक बने एयरपो मिलटरी की दुआर है, एयरपोर्ट है, एयरफोर्स है, एक पिंड है माजरा, जाने कि रुड़ जाए तो सब काम बंद हो जाएगा जी।